देखिए क्योंकि यहाँ महिलाएं अधिक थी, सिर्फ केवल 3 पुरुष थे जिनकी मृत्यु हुई, बाकी सभी महिलाएं थी। इससे ये पता चलता है कि पूरी भीड़ में केवल महिलाएं थी, जो कहा जाता है कि 2 लाख से ऊपर थी। अभी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि फोटो नहीं खींचने दी जाती थी। साफ तौर पे मुझे लगता है कि ये बाबा जो भी थे, इल्लीगल एक्टिविटी थी इनकी। 80 हजार का इन्होंने परमिशन मांगी थी और 2 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करी, और उस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ तो वो बाबा भाग गए। मुझे लगता है इनके अगेंस्ट FIR तो होनी ही चाहिए, इनको तुरंत पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए ये किसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ। क्या ये कोई मिली भक्त है या कुछ प्लान था ये? और इतने लोग मरने के बाद वो क्यों भागे, ये क्वेश्चन करने की बात है। उनके अनुयायी जो उसके सेवक थे वो भी भाग गए, और महिलाएं जो इस टाइम ट्रॉमा में हैं उनको भी काउंसिल करने की जरूरत है। NCW क्या एक्शन लेगी? मैं यही एक्शन टेकन रिपोर्ट ही लेने आई हूं। मैं मिली हूं DC से, SP से, कार्रवाई क्या कर रहे हैं वो पता चला है। और जो एक टीम बनाई है इन्होंने, जिस जो ADGP मथुरा के अंडर है, वो एक बार अपनी रिपोर्ट दे दें, उसके बाद हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या आता है। विक्टिम्स से आप मिले हैं, क्या कुछ कहना है विक्टिम्स से? कोई क्रिटिकली इंजर्ड नहीं है, लेकिन हाँ ट्रॉमा में है। फिजिकली एक जो इनमें से वो हाथ में चोट लगी है, बाकी सब जो है वो ट्रॉमा में है, ब्लंट चोट लगी हुई है उनको, मतलब स्वेलिंग है, ब्रूजेस है। वीडियोज और फोटो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रही है, उससे पता लगा काफी बड़ी तादाद में थी। कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठे होने दी गई, फिर ये लोग भगदड़ मची। देखिए ये लोग प्रशासन को भी सामने नहीं आने देते थे, जितने लोग, जहां तक मुझे पता चला है कि प्रशासन के लोगों को भी अंदर नहीं आने देते थे इनके जो सेवक थे। ये पुलिस को भी नहीं आने देते थे, जो पुलिस की 2 महिलाएं हैं जो घायल हुई हैं, एक से मैं अभी मिली हूं, वो भी यही कहती है कि ना फोटो लेने दे रहे थे ना अंदर आने दे रहे थे। वो सिर्फ बचाने गई थी जब ये भगदड़ हुई है, तो वो भी नीचे आ गई। लेकिन ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त किया हुआ था, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है तुरंत गिरफ्तार करके इनके अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कड़ी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बेहद दर्दनाक फैक्ट है कि 3 साल की बच्चियों की मृत्यु, जी जी 4 साल की बच्चे भी है उनकी मृत्यु, इस तरह की चीज को किस तरह से देख रहे हैं आप? एक बच्ची है और बाकी लड़के हैं छोटे छोटे, एक बच्ची घायल भी है यहाँ पर। देखिए माएं जाती हैं तो छोटे बच्चों को भी लेके जाती हैं, और औरतों को ही टारगेट किया जाता है। कहीं ना कहीं ये एजुकेशन ना होना भी बहुत बड़ी इसके ऊपर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको इजी टारगेट बनाया जाता है ऐसी जगह पे। और घर वाले भी जहां धर्म का नाम होता है आप आंख बंद करके भेज देते हैं उनको। तो ये सारी चीजें एजुकेशन पे और काउंसलिंग पे होता है। हमें महिलाओं को काउंसिल करना चाहिए कि ऐसे बाबाओं के पीछे ना घूमें। अब आगे क्या स्टेप रहने वाला है? देखिए मैं रिपोर्ट मंगाती हूँ, अगर इसमें कोई ढील बरती गई हुई हो तो हम देखेंगे, लेकिन अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो घायल हैं उनकी ठीक से ध्यान रखा जा रहा है। कुछ पैसे भी इन्होंने अनाउंस किए हैं ये सेंटर ने भी, और 2-2 लाख रुपए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।